नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2020 लगभग आधा हो चुका है। हर टीम लगभग अपने आधे से ज़्यादा मुकाबले खेल चुकी है। ऐसे में सीएसके का एक बहुत बड़ा ऐलान, सीएसके ने अनाउंसमेंट किया है कि धोनी अब दोबारा से कप्तान होंगे। आप सब लोगों को पता है कि आईपीएल 2022 शुरू होने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उस वक्त जडेजा को कप्तान बनाया गया था। हर किसी को ये उम्मीद थी कि धोनी, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि धोनी के बाद कप्तान कौन होगा, इसलिए जडेजा को वो जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जडेजा शुरुआत के आईपीएल के 8 मुकाबले सीएसके ने खेले हैं, उनमें टीम को जिताने में कामयाब नहीं हो पाए। 8 मुकाबलों में से सीएसके को 6 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि केवल 2 मुकाबले सीएसके जीती है। ऐसे में अब जब आईपीएल आधे पड़ाव तक पहुंच चुका है, जडेजा ने बीच मझधार में सीएसके की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है सीएसके की तरफ से कि जडेजा ने कप्तानी छोड़ दी है और वो धोनी को अब दोबारा से कप्तान बना देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जडेजा ने कप्तानी क्यों छोड़ी, अब आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा। तो इसकी वजह बताते हुए सीएसके ने बताया है कि जडेजा अपने बल्लेबाजी पर, अपनी बैटिंग पर, अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसीलिए धोनी ने कहा है कि ठीक है, चलिए आप अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करिए, कप्तानी मैं कर लूंगा। लेकिन ये एक वजह नहीं हो सकती कि जडेजा केवल बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कप्तानी छोड़े। इसके पीछे की वजह क्या है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल जडेजा को सबसे पहले नंबर पर रिटेन किया, धोनी से ज्यादा जडेजा को पैसे दिए, उसके बाद में जडेजा को बेहतर ऑलराउंडर माना गया सीएसके की तरफ से। जडेजा आईपीएल 2022 के अभी तक के 8 मुकाबलों में ना गेंदबाजी से बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं, ना बल्लेबाजी से कोई बड़ा करिश्मा कर पाए हैं और ना ही कप्तानी में जडेजा का कोई बेहतर योगदान रहा है। बल्कि आईपीएल के कई मुकाबलों में देखा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तानी करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में जडेजा की कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे थे, जडेजा के फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे थे, जडेजा के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे थे। बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो जडेजा की बिल्कुल फेल रही है। तो ऐसे में जडेजा के ऊपर प्रेशर था, जडेजा के ऊपर दबाव था कि वो कप्तानी छोड़ दें, इससे बेहतर कुछ रास्ता जडेजा पर नहीं था। तो कप्तानी छोड़ने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो जडेजा का फेल होना। आईपीएल 2022 में जडेजा का पूरी तरीके से फ्लॉप होना कप्तानी छोड़ने के पीछे की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। वैसे आपको जडेजा का कप्तानी छोड़ने के पीछे की क्या वजह लगती है, और अब जब धोनी कप्तान बन गए हैं तो क्या सीएसके दोबारा से जीत की पटरी पर लौट सकती है? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ जडेजा का कप्तानी छोड़ना ठीक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।